ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी, प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको बताएंगे मित्रों सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य अभी तक अपनी स्वग्रही सिंह राशि में संचार कर रहे थे, लेकिन अब 17 सितंबर प्रातः 7:22 पर मित्र कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा इसकी आपको जानकारी देंगे। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से देख लीजिए। चैनल पर नए हैं तो आपसे विनती है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में जाएं, लिखें जय श्री राम जय श्री हनुमान। देखिए मित्रों, जैसा कि हर वीडियो में हम आपको बताते हैं, जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं सूर्य का क्या आपकी राशि के ऊपर प्रभाव होता है और सूर्य का क्या कार्य है, सूर्य आपकी जन्म कुंडली के अंदर क्या रोल प्ले करते हैं। देखिएगा, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है, ग्रहराज सूर्य। इसलिए कहा गया है कि सूर्य सभी को प्रकाश देता है, तेज ओजस्विता देता है। अगर सूर्य ना हो तो सब कुछ, पूरी सृष्टि अंधकार में हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति शुभ है तो सूर्य आपको बहुत उच्च पदों की प्राप्ति कराता है, खासतौर से सरकारी नौकरियों में। और नेम फेम, यश मान सम्मान, कीर्ति प्रसिद्धि, आपकी अहमियत, आपकी इम्पोर्टेंस, जातक जहाँ जाता है अगर गणने रहता है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती है। जातक सूर्य के समान चमकता है, उसके अंदर बहुत तेज ओजस्विता आती है और उसकी इम्पोर्टेंस हर जगह बढ़ती जाती है, देश विदेशों में ख्याति प्राप्त करता है, उच्च पदों की प्राप्ति करता है। तो सूर्य अगर आपकी कुंडली में शुभ है तो जातक को बहुत नेम फेम मिलता है, बहुत प्रसिद्धि मिलती है, उच्च पदों की प्राप्ति होती है, जातक राजा के समान रहता है। और अगर सूर्य की अशुभ स्थिति है आपकी कुंडली के अंदर तो बहुत अच्छा सोचने पर, अच्छा कार्य करने पर भी, माना कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उतना यश मान सम्मान नहीं मिल पाता। समय समय पर आप अपयश के भागीदार भी बनते हैं और कभी कभी सूर्य की स्थिति ज़्यादा अशुभ होने पर आपको समय समय पर अपमानित भी होना पड़ता है। देखिए मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर सूर्य राशि परिवर्तन का क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, यानी कन्या राशि वाले जातक। एक विचारणीय तथ्य और है कि यहाँ पर एक माह के लिए आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग भी बन रहा है, लेकिन बुध आदित्य योग तो बन रहा है, यानी बुध और सूर्य जब साथ आते हैं, सूर्य को बोलते हैं आदित्य, सूर्य और बुध, तो बुध आदित्य योग बनता है। तो ऐसा नहीं कि किसी भी हाउस में किसी भी भाव में बुध आदित्य योग बने और आपको अच्छे ही फल प्रदान करें। यहाँ पे एक विचारणीय तथ्य यह भी होता है कि बुध कहाँ के लॉर्ड है और किस स्थिति में और किस हाउस में, और सूर्य कहाँ के लॉर्ड है और किस हाउस में किस स्थिति में, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी भी साथ साथ जानकारी आपको जरूर देंगे। यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है यह आप ही की राशि के ऊपर हुआ है, यानी कन्या राशि वाले जातक। अब यहां पर सूर्य कहां के लॉर्ड है, 12वें घर के, यानी वेस्ट एक्सपेंडिचर, हेल्थ इश्यूज, नाम खराब होना, पैसे का नुकसान, चोरी होना, लॉस होना, विदेशों से संबंध है, विदेश आना जाना रहता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य करते हैं, संबंध खराब हो सकते हैं, नाम खराब हो सकता है, बात खराब हो सकती है, पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, जो विदेशों में उनके लिए स्थिति थोड़ी चिंतनीय थोड़ी बन सकती है, कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा है वहां कोई बात खराब हो सकती है, शारीरिक मानसिक संतुलन, सूर्य वहां थोड़ी आपका गड़बड़ाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा क्रोध उत्तेजना की स्थिति उत्पन्न करेंगे, टेम्पर शॉर्ट, चिड़चिड़ापन ये क्रिएट हो सकता है। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है कि सूर्य अगर वहां थोड़ा डिस्टर्बेंसेस आपको क्रिएट कर रहे हैं तो बुध वहां उसको मैनेज करेंगे। ये अपनी मूल त्रिकोण उच्च की राशि में बैठे हुए, स्वग्रही राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, और बुध यहां आपके करियर के घर के लॉर्ड है। तो यहां अगर आपका कोई शारीरिक मानसिक संतुलन गड़बड़ाता है तो बुध उसको मैनेज कर देंगे, तुरंत नए नए आइडियाज, नए नए विचार आपके अंदर उत्पन्न होंगे। आप काउंसलर हैं, मोटिवेटर हैं, ज्योतिषी हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, यानी लोगों को ज्ञान बांटने का काम करते हैं, उसमें वृद्धि होगी, नए नए आइडियाज, नए नए विचार उत्पन्न होंगे और लोग आपकी बुद्धि का भी, आपके विवेक का लोहा मानेंगे। करियर व्यवसाय
आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई चेंजेस, कोई बदलाव लाना चाह रहे हैं नौकरी में, लाइए, तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे। कार्य व्यवसाय बिजनेस में विस्तार करना है, वृद्धि करनी है, कोई चेंजेस लाना है, इंक्रीमेंट्स करना है, नया कार्य व्यवसाय करना है, खोलना है आपको, आप कर सकते हैं। जितना प्रयास करेंगे निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको, स्टेबिलिटी उसमें मिलेगी। लेकिन थोड़ा तरक्की उन्नति में बाधाएं यहाँ पर थोड़ी क्रिएट हो सकती है, थोड़ी रुकावटें यानी जो आप प्रयास आप करेंगे उसमें थोड़ी रुकावटें, लास्ट मोमेंट पे आपके बनते बनते कार्य रुक सकते हैं, आपके पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे व्यर्थ लाभ व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन मत उत्पन्न होने दें, उनके सामने मौन रहें। पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा धैर्य और संयम बरतें। विदेशों की यात्राओं में व्यवधान रुकावटें आ सकती हैं, वहाँ से कोई नुकसान लॉस हो सकता है, लंबी दूरी की यात्राओं से नुकसान, आध्यात्मिकता के भाव में कमी आ सकती है। लेकिन आप जिस भगवान इष्ट का ध्यान करते हैं आप करते रहिए, क्योंकि ये ग्रह परिवर्तनशील है, समय स्थायी नहीं है, थोड़े समय के बाद स्थिति आपके अनुकूल बनेगी। थोड़ा परिश्रम संघर्ष यहाँ पर आपको थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम ठीक रहेगा, बीच बीच में बड़े धन की प्राप्ति होगी, लाभ गेन करेंगे, बड़े भाई बहन मित्र वर्ग उनसे लाभ संबंध आप संबंध आपके अच्छे रहेंगे, उनसे लाभ गेन करेंगे। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, विवाहित हैं, मैरिड लाइफ जी रहे हैं, कोई मतभेद डिफरेंसेस थे या एक दूसरे की हेल्थ को लेकर आप किसी चिंता में थे, परेशानी में थे, वहाँ से राहत मिलेगी। संबंधों में प्रगाढ़ता मजबूती आएगी, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, नए विवाह शादी के संबंध स्थापित होंगे। वो प्रयासरत थे, विवाह शादी को लेकर सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। नए प्रेम संबंध स्थापित होंगे, पहले से प्रेम संबंध चल रहे विवाह शादी में तब्दील होंगे, एक दूसरे से लाभ सहयोग मिलेगा। बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सक्सेस गेन करेंगे। भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, यहाँ स्थिति आपके अनुकूल है, आपके पक्ष में, अब तक आप योजना बना रहे थे, प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अब प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कोई मकान या संपत्ति, प्रॉपर्टी या वाहन की प्राप्ति आपको हो सकती है, आपकी माता जी का भरपूर लाभ सहयोग मिलेगा, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, आपके घर में शांति का माहौल बना रहेगा, अच्छी स्थिति है, शुभ स्थिति है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बना रहेगा, नकारात्मक सोच से बाहर आएंगे, पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर उत्पन्न होंगे, आपका आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पराक्रम वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राएं ट्रैवलिंग करते हैं तो अपने पराक्रम के बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर आप लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहन मित्र वर्ग सहकर्मी जो आपके नीचे कार्यरत हैं उनसे आप लाभ बेनिफिट, आपके प्रिय बंधु, मिलने जुलने वाले लोग, वेल विशर, पड़ोसी संबंध स्थापित होंगे, आपका पराक्रम इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, लाभ गेन करेंगे। लेकिन परिवार में कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद हो सकता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, जमा धन कोष बैंक बैलेंस में कमी आ सकती है, भविष्य के लिए कोई निवेश इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो फिलहाल रुक जाइए मत कीजिए, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होगा। परिवार के बीच में अगर कोई वाद विवाद, कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो तो आपको, मेरे लिए एक सलाह, आपके लिए एक सलाह बनती है मेरी, आप अपने क्रोध नियंत्रण से बचें और ख़ास तौर से स्पेशली आप अपनी वाणी, अपनी लैंग्वेज के ऊपर कंट्रोल करें, अपनी बोलचाल के ऊपर, नहीं तो परिवार के बीच में आपका माहौल ख़राब हो सकता है, आगे स्थिति आपके लिए थोड़ी चिंतनीय हो सकती है और थोड़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है, तो इसलिए अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करें अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो। संतान पक्ष को लेकर चिंता, टेंशन, थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है, कोई मतभेद डिफरेंसेस, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब या उनकी नौकरी, बिजनेस या पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम्स जिससे आप थोड़े चिंतित रहें। ओवरऑल संतान पक्ष की तरफ से थोड़े संतुष्टि के भाव में कमी आ सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी असमंजस की स्थिति, कन्फ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता में कमी, प्रयास कर रहे हैं कोई डिग्री, मास्टर डिग्री लेने के लिए कोई कोर्स करना है, थोड़े कन्फ्यूजन्स उत्पन्न होंगे। लेकिन सूर्य जब राशि परिवर्तन करते हैं तो शुरू के 10 दिन थोड़ा जिनका प्रभाव थोड़ा इनका बना रहता है, उसके बाद स्थिति फिर सामान्य होनी शुरू हो जाती है। तो थोड़ा आप एकाग्र होकर अपना प्रयास करते रहिएगा, आपको निश्चित रूप सफलता मिलेगी। शत्रुओं से सावधान रहें, अचानक से शत्रु आपके पैदा हो सकते हैं, आपका नाम खराब कर सकते हैं, आपकी बात खराब कर सकते हैं, आपको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें। अपने इर्द गिर्द जिनके ऊपर बहुत ट्रस्ट, विश्वास करते हैं, थोड़ा संभल कर रहें, आपको धोखा, चीटिंग आपके साथ हो सकती है, नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है, तरक्की उन्नति में बाधाएं आ सकती हैं, कोई कर्जे की बीमारी की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यह स्थिति थोड़ी बहुत ज़्यादा अचानक से चोट, फेट, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइज होना, पैसे का बड़ा नुकसान, ये चीज़ें भी आपकी क्रिएट हो सकती हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा उपाय कीजिए। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है, इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी अपनी अहमियत है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ
लेकिन जो आपकी लग्न कुंडली जन्म कुंडली होती है उसका सर्वाधिक महत्व होता है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो एक बार अपनी लग्न कुंडली जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। अगर कन्या राशि वाले जातकों की लग्न कुंडली जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतर दशा आपके पक्ष में चल रही है, आपके अनुकूल चल रही है, तब संभवतः यहाँ पर आपके लिए यह परिवर्तन काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है, उन्नतिदायक सिद्ध हो सकता है। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य या किसी अन्य ग्रह की दशांतर दशा आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तब संभवतः थोड़े दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं और शुभ प्रभाव में कमी आ सकती है। तो कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। उपाय के तौर पर सूर्य भगवान को प्रतिदिन अर्घ्य दें और श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, और थोड़ा सा रविवार के दिन आप गुड़ से बने चावल कौओं को पक्षियों को खिलाएं, और गुड़ वाली शक्कर जो होती है जगरी पाउडर आप तो चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं, तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बचेंगे, आपके तरक्की उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।